मरता है मरे, इतने कोरोना से नहीं मरेंगे जितने यहां पर मरेंगे। और कोरोना किधर गया वो तो बताओ, कोरोना किधर गया? सारी एसओपी सुन्नियों के लिए थी। अरे ये कौन सा यार तरीका है? ये पाकिस्तान है, हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। कौन सा चाहिए? अरे हमारा पुराना वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारे नए तुमको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। हमें दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। और यहाँ पर कानून भी दो नहीं एक कानून चाहिए। सुन्नी के लिए अलग कानून, शिया के लिए अलग कानून, ये कौन सा कानून है यार? अहले सुन्नत के लोगों की मस्जिदें बंद, इनके जुम्मे बंद, इनकी तकरीरें बंद, इनके शबे कदर के इज्तिमा बंद, इनके जुम्मतुल विदा पर पाबंदी, इनके ईद के इज्तिमा बंद, और सामने वाला तरावियां भी बंद, और फिर 21 रमजान को कोरोना छुट्टी पे, फिर कोरोना वापस आ गया। अभी भी फोन करो तो कोरोना खत्म नहीं हुआ, उसका खतरा टला नहीं है, ज्यादा जुड़ जुड़ के नहीं बैठे, दोबारा आ जाएगा। फिर मुहर्रम में खत्म, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, उसके बाद दोबारा चलना शुरू। अभी भी कोरोना का खत्म करने खत्म नहीं हुआ है तुम्हारी की, ये कौन सा तरीका है यार? तो ये दो पाकिस्तान नहीं चलेंगे भाई, ना ही दो कानून चलेंगे। एक पाकिस्तान चाहिए और कानून भी एक चाहिए, जो सुन्नी के लिए भी बराबर हो, शिया के लिए भी बराबर हो। आप क्या कहते हैं? हाथ उठाकर ताइप कीजिए। दो नहीं एक पाकिस्तान, दो कानून नहीं एक कानून, कानून सबके लिए बराबर, जो तोहीन करेगा उसको फट्टे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनाब तीन दिन बाद जमानत देके वापस आ गया। हमें कानून की अमलदारी पर यकीन है, हमें अपनी अदलिया पर यकीन है, अपने इदारों पर यकीन है, लेकिन खुदा के लिए हमारे इदारों को चाहिए कि वो हुकूमतों को भी लगाम दें और कानून पर हमारा यकीन बरकरार रहने दें, हमारे लोगों का यकीन बरकरार रहने दें। हम अपने लोगों का गुस्सा ठंडा कर रहे हैं, हम अपने लोगों को संभाल रहे हैं, इसलिए हमें रोकना नहीं। हम मुजाहरा करके ये पैगाम देना चाहते हैं, भाई हम बहुत गुस्से में, खुदा के लिए कानून पे अमल करो, हम और कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कानून ऐसा होना चाहिए जिस पर अमल हो, हम और कुछ नहीं चाहते। और हम ये कहते हैं कि तौहीन वाली एफआईआर और जुम्मा वालू एफआईआर बराबर कहने वाला गधा है। मुतालबा किया जा रहा है जैसे जुम्मे की एफआईआर ने खत्म की थी, ऐसे ये तौहीन वाली भी मुहर्रम की भी खत्म कर दो। अरे एक तरफ तौहीन हो रही है और एक तरफ मुसलमान जुम्मा पढ़ रहे हैं, तो जुम्मा पढ़ना भी जुर्म है।